नमस्कार, आरती न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ महेश परदेसी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आरती न्यूज में स्वागत है। आरती न्यूज में सबसे पहले आपका स्वागत है। बिल्कुल, क्योंकि हम आपके बहुत बड़े फैन आप जो भी है जैसे भी है बहुत अच्छे इंसान है और आप लोगों का इंटरव्यू लेता अच्छा लगता है। तो आरती न्यूज के माध्यम से पूरे भोजपुरी समाज को हमारे तरफ से नमस्कार है। आप ऐसे ही हमारे भाई पर दुआ आशीर्वाद बनाए रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, इनका चैनल दिन दूना रात चौगुना तरक्की करे। आपका प्यार है कि हम लोग बिहार से दिल्ली चले आए, इसके लिए दिल से लाखों करोड़ों धन्यवाद आपके लिए। देखिए, सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, यानी महेश परदेसी हमारा साथ हैं, यानी खेसारी लाल यादव के राइटर, यानी महेश परदेसी। ये बताइए, अभी खेसारी लाल यादव के साथ आपका प्रोजेक्ट आने वाला है या नहीं है? नहीं, आने वाला है, बात तो चल ही रहा है। और छोटा का है, मेरे घर का बालक है वो, क्योंकि समझिए कि हम लोग उसे गोद में खिलाए हैं, उस तरह का बालक है, हमारे घर का हमारा एक अंग है वो। तो उनसे ना दूरी है ना पास है, एकदम घर जैसा माहौल है। बातचीत बीच में हुआ था लेकिन हम ही टाइम नहीं दे पा रहे। अच्छा, ये बात, बीच में जोड़ी टूट गया था महेश परदेसी और महेश कृष्णा बेदर्दी और पवन पांडे के जोड़ी काफ़ी आपको हिट है, लेकिन एकाएक क्यों टूटने का रीजन क्या? देखिए, जोड़ी तो सर्वप्रथम हमारे साथी खेसारी बाबू आए थे इसी इंडस्ट्री में, और उसके बाद कृष्णा जी आए थे, बाद में पवन जी भी आए थे। हम लोगों का बहुत बढ़िया जोड़ी था, एंगल से काम, हाँ, एंगल कंपनी से रमेश जी के सौजन्य से काम चलता था। दिन दूना बढ़िया प्रोजेक्ट चलता था, जो भी हम लोग लिखते थे हमारे श्रोता समाज बहुत मजा से सुनते थे, सबको इन्जॉय होता था। पहला गीत कौन लिखे थे खेसारी जी के लिए बता दीजिए? खेसारी जी के लिए पहला गाना हमारा हिट किया था और सुलगन में शादी रचा ले, और दूसरा गाना हिट किया था जा एक करे जा तर उतर जा जिया जिया जवानी हमार चूस गई लू। तीसरा गाना हिट किया था एटीएम मशीन, उसके बाद देवरा चूसा था संया अरब गई लेना, ये संया बोला अब कि ना अब संया मोर सनक जाता संया अरब गई लेना। ये तो बहुत हिट रहे, ये तो बम्पर हिट रहे, माने पूरा पूर्वांचल का, पूरा हिंदुस्तान में, विदेशों तक ये गाना के लोग सुन ले, जे जहाँ भोजपुरी समाज बा सारा लोग गाना के सुन ले बा। आइए, गाना हमने के बहुत ज़्यादा प्यार दुलार दे ले। अगर गाना याद बा तो थोड़ा गुनगुना के बता दी हमारे दर्शकों को। काहे ना यादे बा, अरे के करा खाती करब भौजी अब की के परब सैया अरब गईले नाम कि रजब अरब गईले नाम तसेज पर के करा संगे लरब सैया अरब गईले नाम। क्या बात है, ये सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, यानी खेसारी लाल यादव के ये पहला जो गीत दिए हैं महेश परदेसी, काफ़ी हिट है, यही गाना सुना रहे हैं। सबसे पहले ये मैं बता चाहूँगा कि एटीएम मशीन भी मैं आप ली जी, ये कौन गीत? उतनी ऑर्केस्ट्रा मूड के गाना बा। अच्छा, बोल बता दी। अब एटीएम मशीन के मतलब है जे एटीएम जावना कंपनी के जावना बैंक के होला, उन लोग आके पैसा डाले ला और लोग निकाले ला, तो उहे रहे। सानिया मिर्जा वाला भी रहुआ लिखल जी ना, सानिया मिर्जा लगाना वो संजय सनेही जी लिखले रहे, ठीक बा, संजय सनेही जी के सानिया वाला गाना रहे, बहुत हिट कैले रहे वो। अच्छा, ये बताएं, चलिए गाना तो हो गई लेकिन महेश परदेसी, कृष्णा बेदर्दी और पवन पांडे के एक साथ नज़र आएंगे या खेसारी जी की नहीं आएंगे? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, अभी भी है, बोले हैं एक लाइव में कि हम लोग तीनों साथ में हैं। हम भी हैं, सभी लोग हैं, हम दूर कहाँ हैं महाराज, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उनको टाइम नहीं दे पा रहे। क्यों, ऐसा क्यों? दिल्ली में इतना नाकाम है हमारे पास, माने यहाँ के जो भी मीडियम कलाकार के लोग हैं, मीडियम जो भी कलाकार हैं, उन लोगों का प्यार आशीर्वाद मेरे ऊपर ज़्यादा रहता है, चाहे उन लोगों का आशा उम्मीद मेरे से ज़्यादा रहता है। तो जितने भी मध्यम वर्ग के कलाकार हैं उनको सपोर्ट करने के लिए उधर टाइम नहीं दे पा रहे हैं। कृष्णा भाई बोले कि जल्द उनका गाने आने वाले हैं। हाँ, गाना भी ओके हो चुका है। किस कंपनी से आएगा? अब ये कंपनी तो आजकल तो जमाना, कितने गाना दे दिए, कितने गाना तो कम से कम हमारा सैकड़ों गाए हैं खेसारी जी। अच्छा, होली में कौन गीत दिए हैं? आप लोग का होली भी ब्लास्ट होता था, धनकुट अथी वाला झाल ढोलक। होली में झलकुटन में हम लोग का गाना हिट था वाला, आप सुने भी थे, देवरा मुहना खोदे काटी से। ये आपका गाना है? कृष्णा बेदर्दी जी का गाना है, लेकिन वही ब्लास्ट किया था।
लेकिन आपका गाना मैं जानना चाहता हूँ कि कौन? हमारा पहले गाना उनसे किया था आरा में डोललू जो रनवा नसौलू बरतनवा एगोरी, जो बहुत बम्पर ब्लास्ट, हाँ ब्लास्ट हुआ था आरा में डोललू जो रनवा अदहिया नासा था। क्या अब ब्लास्ट करने वाला है, किस तरह से गाना आएगा? उससे भी बेहतर आएगा। पहले तो हम लोगों का संघर्ष का टाइम था, फिर भी पब्लिक हमारी सुन रही थी, लेकिन पहले से अनुभव ज़्यादा हो गया है। अनुभव ज़्यादा है, गाना अच्छा जा रहा है, तो अभी पब्लिक का प्यार मिलता है कि आज हम लोग लिख रहे हैं। अगर पब्लिक हमें आशीर्वाद प्यार दुलार नहीं देती, हमारी गाना को नहीं सुनती, तो हम लोग कहाँ से लिखते। लेकिन इतने दिनों तक, इतने सालों तक हम लोग सफ़र किए संगीत में, हमारा सभी ग्रुप, चाहे खेसारी जी हो, कृष्णा जी हो, चाहे ऑल भी जितने भी कलाकार हैं भोजपुरी के, पब्लिक का प्यार मिलता है तभी चलता है। तो आज तक उन लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, तभी हम भी चल रहे हैं। आपने किस कलाकार के साथ पहले आप शुरुआत किए थे अपना राइटिंग वाला? शुरुआत तो सर्वप्रथम हम किए थे, लाइव का पहला गाना गाए थे हमारे एक पागल प्रदीप थे। वो कहाँ के हैं? वो है बसतपुर के हैं, बिहार के, बिहार सिवान बसतपुर के। उन्हीं से मैंने शुरुआत श्रीघनसाय नवा उन्हीं से हुआ था। लेकिन पहला हिट लड़का हुआ था पंकज सिंह प्यारा, ललकी बिंदिया वाली गंगा कंपनी से। उसके बाद हमारा गाना हिट किया था प्रेम सागर जी एक थे, आरा के सिंगर थे। खेसारी जी से कैसे मुलाकात हो गया कि आपने टचअप कर लिया और इतना धमाल खेसारी जी के कर? मनीष जी, उसके लिए तो बहुत लंबा समय लगेगा। कुछ शॉर्ट में बता दीजिए कि यहाँ मुलाकात हुआ था, हम लोग एक बात हुआ, उसके बाद मैं गाना लिख रहा। बहुत बड़ी कहानी है, तो हम शॉर्टकट में बता देते हैं कि उस समय हम लेदर एक्सपोर्ट में काम भी करते थे, जहाँ ओखला में उनका घर था, संजय कॉलोनी में। तो उनके घर के ठीक सामने हम एक्सपोर्ट में काम करते थे, तो इनके घर पे हम लोग खाना पीना खाने, इनके पापा जी, हाँ मंगरू चाचा जी, सतुआ भुजा का दुकान करते थे, उन्हीं के साथ उठना बैठना था। तो बातों बातों में उस समय हम राधे श्याम रसिया जी का गाना लिख रहे थे। हाँ, तो रसिया जी का गाना मेरा हिट किया था, जी आज हम रजान के शादी हो रहा बा, सुने होंगे। वो बहुत गाना ब्लास्ट किया था। उसके बाद एक के छप्पन देवर वीरप्पन तपेसर जी का हिट कर गया, तो सबका झुकाव मेरे तरफ हो गया। उसी दौरान मंगरू चाचा जी से उठना बैठना था, वहीं पे वो बोले कि हमारा भी एक लड़का गाता है, उसका नाम है खेसारिया। तो हम तो हमारे यहाँ खेसारी बाबू प्रोग्राम देने गए थे कमला बाबा के साथ, तो हमारे गांव में चर्चा हुआ था, तो हल्का फुल्का नाम सुने थे, तो हम बोले कि चाचा बुलाइए हम करते हैं। तो उस समय हमारे साथ पंकज रहता था और राधे श्याम रसिया जी, तो उनको बुलाए। बुलाने के बाद एक कार्यक्रम कराए, तब पहले हम परखते हैं किसी कलाकार को, ऐसे मौका नहीं देते, हम उसको भी देखते हैं कि कितना सुर में है, ताल में है, कार्यक्रम करने का तरीका है कि नहीं है। क्योंकि जब तक जो कलाकार स्टेज नहीं करेगा ना, वो चलना बड़ा कठिन होता है, ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं करता है, तो स्टेज ज़रूरी है। तो उनका स्टेज देखने के लिए बुलाया, अब पंकज सिंह के साथ दुगोला कराए, तो उसमें पंकज सिंह जो मेरा सीनियर कलाकार था, उससे बेस्ट एक आए खेसारी बाबू, एंटरटेन कराए, मजाक किए, हंसी मजाक करके बहुत बढ़िया मेंटेन करे वो। तब से मेरे दिल में बस गए, हम बोले कि नहीं, ये लड़का तूफान है, इसको थोड़ा सा हवा की ज़रूरत है। तो तब से हम बोले कि चाचा बुलाइए, आ इनके बाद अब साथ में रखने लगे। भारती कंपनी में विजेंद्र बाबा हमको रखवा नौकरी दिलवा दिए थे, विजेंद्र गिरी का नाम सुने ना, तब तो विजेंद्र गिरी भारती कंपनी में नौकरी लगवा दिए थे, उसी में हम काम करते थे। आखे सारी जी को रख लिए साथ में, तो हमारे साथ में शुरू से रहने लगे, एक भाई की तरह, और कलाकार की तरह हम नहीं रखे थे, हम समझे थे कि मेरा छोटा भाई है, जहाँ जाना था मैं साथ ही लेके। एंगल में आप लोग कब गए हैं? एंगल में खेसारी जी कहने के बाद, भारती के बाद, भारती के बाद 2007 में, 2007 में एंगल में जब पहुँचे तो रमेश जी से बात, हाँ रमेश जी से बात हुई, हम ही लेके गए खेसारी बाबू को, रमेश जी से बात कराए, प्रोजेक्ट करवाए। उसमें हमारे आज एक RCM के राकेश जी हैं, उनका योगदान है, वो ही संपर्क करवाए थे रमेश जी से। हम लोग सभी पूरे टीम घुसे थे उसमें, जब घुसे तो 10 साल कंटिन्यू काम किए। देखिए, यानी खेसारी लाल यादव के कहानी, यानी जीरो से हीरो बनाने वाले महेश परदेसी हमारे साथ हैं, यानी राइटर हैं, यानी शुरुआत से खेसारी जी के साथ अपना जिंदगी सफल किए हैं। बहुत बहुत मेरे जीवन का सबसे मैंने होनहार कलाकार खेसारी लाल यादव। कलाकार तो बहुत लोग हैं, भाई बहन जो भी है, सभी लोग हैं मेरे साथ काम करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर जीवन में कोई बहुत बड़ा उपलब्धि दिलवाया
अमर कर दिया वो खेसारी लाल यादव है। आज भी हमारे तरफ से खेसारी लाल के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि दिन दूना रात चौगुना तरक्की करे, ऐसे बढ़ता रहे। अभी फिलहाल कब आपसे बात हुआ, कब भेंट हुआ? अभी दो महीना पहले जब दिल्ली में आए थे शूट में तो फ़ोन किए थे कि भैया हम आए हैं, आइए ना थोड़ा मिला जाए। तो कृष्णा बेदर्दी थे, हम लोग थे, मिल के बात हुआ। बोले कि भैया मिलजुल के काम करते हैं। हम बोले बाबू हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं मिलता है, इधर सब नहीं जा पाते हैं। लेकिन सारा कंपनी आप धा ली? जी जी, यहाँ दिल्ली में सरास से नहीं, हम 24 साल हो गया गाना लिखते हुए, 98 से गाना लिख रहे हैं, ठीक है। आ दिल्ली की कोई ऐसी कंपनी नहीं है, चाहे दिल्ली में रहने वाला कोई ऐसा कलाकार नहीं है जो हमारा गाना नहीं गाया हो। पहले सीडी कैसेट था, अब यूट्यूब हो गया, तो कितना कठिनाई होता है? कितना कठिनाई तो नहीं है, पहले से बहुत आसान हो गया। आसान हो गया, डिजिटल हो गया। डिजिटल हो गया तो आसान है, मोबाइले में लिखिए, मोबाइले से भेजिए, मोबाइले में पैसा आ जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये आसान हो गया, बहुत आसान हो गया है। पहले क्या कठिनाई है? पहले देखिए कठिनाई ये थी कि पहले गाना लिखना पड़ता था, जाके पहले रिदम बनवाना पड़ता था, फिर म्यूजिक पूरा फाइनल करवा के सिंगर से गवाना पड़ता था, गवा के फिर शूटिंग करने जाना पड़ता था, फिर माल बनवाने जाइए, पोस्टर बनवाने जाइए, माल पैक करवाइए, उसको माने मार्केट में पहुँचवाइए। बहुत ज़्यादा काम था, बहुत लोगों का काम था। आज 10 आदमी का काम एक डिजिटल करता है। बिल्कुल फास्ट हो गया है डिजिटल, डिजिटल फास्ट हो गया है, डिजिटल भी फास्ट हुआ, पैसा भी फास्ट हो गया है। ये बताइए खेसारी जी के फिल्म में कौन आप गाना लिखे? खेसारी लाल के फिल्म में गाना लिखे थे नागिन में। नागिन में वे कौन? पियोवा मुआ न खो दे कांटी से, जो कल्पना जी गाई थी, और ये ब्लास्ट बहुत ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद एक और गाना लिखे थे दूध के कर्ज में, रंगदार बोलमुआ लहंगा पे ताने लदुना ली। खेसारी जी के कब तक ले प्रोजेक्ट आ सकता है, दर्शकों को बता दीजिए ताकि। देखिए अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, बहुत जल्दी आने वाला है। रिकॉर्ड हो गया है या नहीं? नहीं अभी रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, गाना ओके है, माने रिदम पिदम सब बन गया। ओ, सब ओके है। हाँ बस गाना अब सावन के बाद ही आ पाएगा, क्योंकि लोकगीत है ना, तो लोकगीत अभी कहाँ आएगा। अभी किस किस कलाकार को आप गवा रहे हैं अपने थ्रू? अभी मेरे पास तो नए कलाकार सबसे ज़्यादा आते हैं। कारण ये है कि जब से इंडस्ट्री में हूँ ना, तब से मैं नए कलाकारों का ही सपोर्ट किया हूँ, और जिस कलाकार को दिल से सपोर्ट किया हूँ वो ऊंचाइयों को छुआ भी है। देखिए अगर न्यूज ये देख रहे हैं तो आप आइए महेश परदेसी से नए कलाकार और पूरा फाइनल सपोर्ट लीजिए क्या जी। तो हम सपोर्ट करते हैं, मेरे कलाकार चले भी हैं, जैसे आपको सपोर्ट के लिए बता दें, सर्वप्रथम हम मैंने सपोर्ट किए थे खेसारी जी, तो बहुत बाद में आए हैं, हम 98 के बाद बता रहे हैं। उस समय तपेश्वर चौहान जी आए थे, तो उनके साथ रह के काम किए, वो मेरे गाना से स्टार बने। राधे श्याम रसिया जी का गाना लिखे, वो भी हिट, हालांकि हिट थे वो, लेकिन मेरा भी लिखा हुआ गाना हिट हुआ। उसके बाद अगर कोई हिट हुआ तो स्मिता सिंह एक लेडीज कलाकार थी, गर्दा उड़ा दे बिहार में, ये गाना था। हाँ मेरा गाना था। थोड़ा दर्शकों के ये गुनगुना दीजिए, याद है तो। पूरा बोल तो याद नहीं है, लेकिन इतना अर्सो गर्दा उड़ा दे बिहार में, उस ट्यून पे कई लोग गाए थे। हाँ कॉपी बहुत हुआ था उसका ना। और उसके बाद खेसारी बाबू आए थे तो उसी पे लिखवाए थे अर्सो लगन में शादी रचा ले, शादी रचा, तो वो भी गाना हिट किया था। खेसारी जी का कोई आपका दिल के छू जाने वाला गाना अगर हो जाए तो दर्शकों को सुना दीजिए चलते चलते। सबसे ज़्यादा गाना तो अरब है। एक और गा दिए, एक और कोई उनका गाना एक और है कि हमरा के तड़पा के तू बोलो ना का पैबा, हमरा के तड़पा के तू बोलो ना का पैबा, ए राजा बोल अब कि ना अब। ये गाना था, बहुत हिट किया था, बहुत बहुत काफी भी हुआ इसका। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, चलते चलते अपने दर्शकों के लिए क्या कहिएगा? मैं अपने दर्शकों से यही कहूँगा कि आप सब 24 सालों से अपना नज़रिया, अपना प्यार दुलार आशीर्वाद मुझ जैसे राइटर पे बना के रखे हैं, तो मैं चाहूँगा कि भविष्य में ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखे, और हमारे जितने भी कलाकार हैं, हमारे ही नहीं हमसे बाहर भी जो परिश्रम करने वाले कलाकार हैं उनको आप लोग सपोर्ट करिए, जाति प्रथा ये भावना हटा के कलाकार का सपोर्ट करिए, चाहे किसी भी जाति धर्म का, उसे मायने नहीं रखता। अगर आपको लगता है कि नहीं ये कलाकार में दम है, ये कुछ कर सकता है, हमारे भोजपुरी का नाम रख सकता है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन
कैमरा पर्सन के साथ मैं मनीष कुमार, आरती न्यूज लाइव, गाजियाबाद, दिल्ली।